हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं एक और न्यू लोकेशन पे और आप तब तक वीडियो एंजॉय करिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते चलते थोड़ी दूरी पर पहुँचे थे कि यहाँ पर जंगल में कुछ औरतें दिख गई हमें, वो लकड़ी बनाने के लिए आई हैं। तो इतनी दूर जंगल में लकड़ी बनाने के लिए आई हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर लकड़ियाँ बनाने के लिए आई हैं। थोड़ा साफ क्या थोड़ा साफ नहीं है, ये देखो लकड़ियाँ बना दी हैं। दोस्तों, तो हम अपनी प्यारी सी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आपको मैं दिखाता हूं हमारी लोकेशन कैसी है। दोस्तों देख सकते हो, ये रही हमारी प्यारी सी लोकेशन। यहां से पूरा नीचे का व्यू साफ आता है और हम अभी बहुत ही ऊंचाई पर हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी प्यारी सी लोकेशन पे और आपको हमने यहाँ का व्यू भी दिखाया। हम बहुत ही ऊँचाई पर हैं गाइज, और यहाँ तक आते आते हमें बहुत ही प्यास लगी है, तो पहले रेस्ट करके थोड़ा पानी यानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पानी की बहुत प्यास लगी। तो गाइज, अभी हमने पानी हानी पी लिया है और आपको पता ही है पहाड़ी लोगों की सबकी फेवरेट चाय होती है, तो हम यहाँ पे अभी अपनी प्यास को मिटाने के लिए चाय पियेंगे और चाय बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम चाय बनाने की तैयारी करते हैं और आप सभी हमारे साथ इसी वीडियो पे बने रहिए। हम पत्थर लेके आते हैं चूल्हे के लिए, पत्थर लेके आते हैं गाइज। तो दोस्तों, हमने चूल्हा और कुछ लकड़ियाँ तैयार कर लिए हैं, ढूंढ लिए हैं। इनको ढूंढने में काफ़ी थकाई लग चुकी है, तो अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं, देरी बहुत हो रही है। तो अभी बिछाते हैं मैट वगैरह बिछाते हैं, तो तब तक आप बने रहिए। तो बिछाते हैं, थकाई बहुत लग चुकी है, मैट बिछा लेते हैं इनको। कैसा दोस्तों, हमारी मैट बिछ चुकी है
और फिर जल्दी जल्दी बनाते हैं। और लकड़ियाँ हैं हमारी, ये हम लाए हैं आग जलाने के लिए। तो ये चीड़ के पेड़ से गिरते हैं इनके पत्ते और इनसे आग बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अभी जला लेते हैं आग। दोस्तों सामान निकाल लेते हैं, हम जो लाए हैं हम कढ़ाई हो गई और एक केक भी हो गई। चाय के साथ चिप्स लाए हैं खाने के लिए। वैसे तो रोटी सूखी रहेगी तो हमने कहा चिप्स ले आते हैं, तो चलो बनाते हैं। अभी हम तेल डाल लेते हैं इसमें और फिर चिप्स बनाते हैं। अब तेल को थोड़ी देर होने देते हैं, उसके बाद चिप्स बनाते हैं, फिर चाय बना। तो दोस्तों तेल तो हमारा हो चुका है और अब हम चिप्स बना लेते हैं। अभी चिप्स डालता हूँ। आग बहुत जली है। तो दोस्तों फाइनली चिप्स तो हमारे बन चुके हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद बनाए हैं क्योंकि आग बहुत हो रही थी और थोड़ा जल भी गए हैं और कुछ कुछ बने हैं। तो देखते हैं लास्ट में ट्राई करेंगे कैसे। कुछ मेरे जैसे हो चुके हैं, ये देखो मेरी कलर स्किन से मैच कर रहे हैं। तो अभी चाय बना लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि देर बहुत हो रही है। अभी 5 बज चुके होंगे, तो चाय बना लेते हैं जल्दी जल्दी। पहाड़ियों की शान होती है चाय। बहुत है धुंधला, बहुत है। चाय रखी अभी हमने और बगल में भाई अभी गेम खेलने में लगा है, बुड्ढा हो गया लेकिन गेम खेलना अभी तक नहीं छोड़ा है। टाइम पास ब्रो, टाइम पास के लिए गेम खेल रहा है अभी। तो अभी हो जाती है हमारी चाय भी बन जाती है, अब तो पीते हैं आराम से। दोस्तों इसकी कॉफ़ी पीने की इच्छा थी तो कॉफ़ी खरीद के लाया हमें इसके लिए। तो अभी इसी में ही डाल देते हैं पूरा कॉफ़ी। दोस्तों हमारी चाय भी बन चुकी है तो अब इसको निकाल लेते हैं। और ये हमारी चाय बन चुकी है। क्या लगा छोड़ रहा है गेम? छोड़ दे। दोस्तों इस पहाड़ की इन हसीन वादियों पे चाय को शाम के समय पीना और पापड़ के साथ, मैं भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। दोस्तों चाय भी मैंने बहुत ही बढ़िया बनाई है, मेरे भाई से पूछ लो कैसी बनी है। क्या ही कहूँ इसको बहुत पसंद आई है, तो कुछ तारीफ के काबिल है। हाँ तो आप में से कौन कौन चाय पीता है कमेंट में जरूर बताना। ये बना के पिलाएगा मैं बना के पिलाऊंगा। दोस्तों आज चाय पी के मज़ा ही आ गया, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि इसने चाय तो कभी पी नहीं, आज ही पी। दोस्तों चाय तो हमने पी ली और देर भी बहुत हो चुकी है, तो अभी जल्दी जल्दी सामान रखते हैं और फिर चलते हैं घर को। चल भाई। तो दोस्तों सामान रख लेते हैं। Thank you.
दोस्तों अभी जो हमने आग लाई थी उसको बुझा देते हैं, क्योंकि अगर ये आग रात को हवा चल गई तो अगर तो उससे आग फैलने का खतरा है, क्योंकि यहाँ जंगलों में जो हमने बताया था आपको शुरू में आग को जिससे हमने स्टार्ट करी थी आग जलाना, उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है और उसके बहुत सारे पेड़ भी हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो गिरा हुआ है। अगर यहाँ से उड़ के आग गई तो वो पूरे जंगल में फैल सकती है, इसलिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। प्रकृति को बहुत नुकसान होगा, तो अभी हमने बुझा दिया है, अब सेफ है थोड़ा। रुक जा भाई, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ गाइज, हमने ये आग बुझा दी है तो हमने बताया कि आपको, क्योंकि इससे प्रकृति को नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए दो शब्द कहूँगा कि यही वन हमारे देश की आन मान शान और मूरत है, कि यही प्रकृति और वन हमारे देश की आन मान शान और मूरत है, और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कैंपिंग वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, सी यू।